बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। वो दोस्त जो दिल के अमराज का शिकार हैं, दिल के वाल्व ब्लॉक हैं या वेंस ब्लॉकेज का मसला है और डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास का मशवरा दिया है, तो मैं उन सारे दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमारे इस मुहाफिज़ कल्ब को ज़रूर इस्तेमाल करें। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, कैसे इसको तैयार किया जाता है और दिल के अमराज के साथ साथ और इसके क्या फ़वाद हैं, इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए इंतहाई कारामद और इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तफसील में जाने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, ज़रूर उसका विज़िट कीजिएगा। बहुत सारी कीमती मालूमात आप दोस्तों को मिलेंगी। अगर कोई दोस्त खालिस रोगन बलसान मंगवाना चाहता हो, खालिस जंगली शहद, खालिस ज़ाफ़रान, सराजीत या दीगर अद्वियात मंगवाना चाहते हों, हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके उसकी मुकम्मल डिटेल मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुहाफिज़ कल्ब जावेद के क्या क्या फ़वाद हैं, कैसे उसको तैयार किया जाता है और कौन से अज्जा से उसको तैयार किया जाता है, तफसील के साथ उसको सुन लेते हैं। दोस्त, जिनके दिल के वाल्व ब्लॉक हों या वेंस ब्लॉक हों, डॉक्टरों ने उनको बाईपास तजवीज़ किया हो, तो वो दोस्त ज़रूर भी ज़रूर बाईपास से पहले हमारी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके दिल के वाल्व ब्लॉक थे या वेंस ब्लॉक थी, डॉक्टरों ने बाईपास भी तजवीज़ किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुहाफिज़ कल्ब को मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ और बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं उन सारे दोस्तों को ये मशवरा दूंगा जिनको डॉक्टरों ने बाईपास का मशवरा दिया है, वो बाईपास करवाना नहीं चाहते या भी उनके पास वक्त है, तो वो ज़रूर भी ज़रूर उससे पहले मुहाफिज़ कल्ब जावेद को इस्तेमाल कर लें। अल्लाह का फ़ज़ल व करम हुआ तो इंशाअल्लाह ताला बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर दो, जिन औरतों की स्किन के नीचे फ़ैट होती है जिसको सेलुलाइट कहा जाता है, ये फ़ैट को तहलील करके जिल्द को नरम व मुलायम बना देता है, खुरदरेपन को दूर कर देता है। नंबर तीन, जिन लोगों को गिल्टियों का या रसौलियों का मसला हो, वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे गिल्टियाँ और रसौलियाँ तहलील होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। नंबर चार, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों का दर्द, दमे का मसला, आसाबी कमज़ोरी, इन तमाम के अंदर मुहाफिज़ कल्ब जावेद को इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन तमाम बीमारियों के अंदर उसके बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। और वो लोग जिनको मोटापे का मसला हो, वो लोग काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं या दफातर में बैठने का काम करते हैं जिसकी वजह से वर्जिश के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, या वो औरतें जो घरों के अंदर रहती हैं और किसी भी वजह से वो वॉक नहीं कर पाती, वर्जिश नहीं कर पाती, तो मर्दों औरतों के लिए ये मुहाफिज़ कल्ब जावेद इंतहाई मुफीद है, मोटापे को बहुत जल्दी कम करता है। नंबर 11, खून को पतला करता है। नंबर 12, शरियानों को नरम करके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, क्योंकि हमारा सारे का सारा जिस्म वो खून पर चल रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि खून के गाढ़ा होने की वजह से जिस्म के बाज़ हिस्सों में सही तरीके से खून नहीं पहुंच पाता, तो मुहाफिज़ कल्ब जावेद खून को पतला करके शरियानों को नरम करके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर देता है और जिस्म के सारे हिस्सों तक सही तरीके से खून को पहुँचाता है। नंबर 13, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा होने वाली दर्दों को ख़त्म करता है। नंबर 14, कैंसर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। नंबर 15, एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ बेहतरीन किस्म का इम्यूनिटी बूस्टर भी है। आजकल के हालात के अतबार से कुव्वत मुदाफ़ात जिस्म के अंदर बहुत बेहतरीन पैदा करता है, क्योंकि इसमें ऐसी अज्जा शामिल किए जाते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम बेहतरीन हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन अज्जा की तस्वीरें आप दोस्तों को दिखाने लगा हूँ जिन अज्जा को हम मुहाफिज़ कल्ब के बनाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई आला क्वालिटी और आला मैार की चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, क्वालिटी के अंदर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। बतौर नमूने के मैं दो वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, इसको देख लें, फिर उसके बाद मैं मुकम्मल नुस्खा आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूं। दोस्तों, मुहाफिज़ कल्ब जावेद को बनाने के अंदर जिन अज्जा को शामिल किया जाता है, उसमें अदरक,
लहसुन, लीमू, सेब का सिरका, शहद, कलवंजी, सफ़ेद प्याज, सुहाजने की जड़ें, अजवा की गुठलियों का सफ़ूफ, हल्दी, अर्जुन की छाल। दो दोस्त ख़ुद घर के अंदर तैयार करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करके इसका मुकम्मल नुस्खा भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उनको घर के अंदर बनाने की तरकीब मुकम्मल तरीका समझा दिया जाएगा। और अगर कोई दोस्त तैयारशुदा लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके इसकी मुकम्मल डिटेल हमसे मालूम कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।